नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। बम ब्लास्ट के पीड़ितों को मदद व मुआवजा नहीं मिलने से नाराज हुए अश्विनी चौबे। पीड़ितों से मुलाकात के बाद प्रशासन को किया तलब। कृषि कार्यालय परिसर में लगा किसान मेला से मत्स्य प्रदर्शनी। कड़कनाथ मुर्गे से लेकर मछलियों का होगा प्रदर्शन। शांति और सौहार्द में खलल डालने वालों की खैर नहीं। होली व शबे बरात को लेकर प्रशासन ने शांति समिति के साथ की बैठक। और शराबबंदी के बाद कोरेक्स की गिरफ्त में आ रहे हैं युवा। 540 बोतल प्रतिबंधित सिरप के साथ तस्कर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। ब्लास्ट के एक सप्ताह बाद शुक्रवार को केंद्रीय राज्य पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे परिजनों से मिलने भागलपुर पहुंचे। भागलपुर के पूर्व विधायक व अश्विनी चौबे मारे गए निर्दोष लोगों को मुआवजा व मदद नहीं मिलने पर स्थानीय प्रशासन और सरकार से नाराज दिखे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को सरकार से मिल रही सहायता के बारे में जानकारी ली और स्थानीय प्रशासन को भी तलब किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि घटना में कई निर्दोष लोग विस्फोट के शिकार हो गए हैं। कुछ लोगों के घर को भी नुकसान हुआ है, जिन्हें तत्काल घर मुहैया कराने की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा कि घटना में निर्दोष लोगों को न्याय और त्वरित मुआवजा मिले, इसके लिए वे मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की जाने गई हैं, उन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं और मैं दुखी हूं। देर से आने के सवाल पर उन्होंने चुनावी व्यस्तता बताते हुए पीड़ित परिवारों के संपर्क में रहने की बात कही, लेकिन मंत्री जी यह नहीं बता पाए कि चुनाव खत्म होने के बाद भी उन्हें यहां पहुंचने में आखिर 4 दिन कैसे लग गए। पहले तो मानवता के नाम पर सबको मदद समाज के लोग कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता सब लोग लगे हुए हैं। उसमें जो भी मदद होना चाहिए, यहाँ के वार्ड कमिश्नर ये हैं, ये सब लोग मिल के कर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और समाज को खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा हुआ है, समाज खड़ा है, लेकिन सरकार ने भी कुछ दायित्व समझ करके और चावल और गेहूं इन लोगों को दिया है, ऐसा बताया, खास करके ओम प्रकाश शाह के परिवार ने बताया। लेकिन ये सही है कि अभी इनको खाना बनाने का बर्तन नहीं, कपड़े नहीं, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, इसकी स्थिति है, ये दुखद स्थिति है। मैं काफ़ी समय नहीं लगा, मुझे रोज़ अपने परिवार के लोगों से बात होती थी, हमारे सारे कार्यकर्ता, सारा संगठन, रात दिन ये सारे लोग देख रहे हैं ना, ये सब लगे हुए और हम लोगों की लगातार बातचीत। तो मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में था, आप सबको मालूम होना चाहिए, और चुनाव के तुरंत बाद मैं दिल्ली के एक मीटिंग में गया था और वो भी मैंने लगातार केंद्र सरकार को और राज्य सरकार के ऊपर के लोगों से मेरी लगातार बातचीत हुई है, जिला प्रशासन को भी बातचीत करके और यहाँ के लोगों के संगठन के लोग बराबर हमारे सक्रिय हैं। जिला कृषि कार्यालय परिसर में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने किसान मेला से पशु और मत्स्य प्रदर्शनी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 13 मार्च तक चलने वाले मेले के पहले दिन फल और सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में इसके अलावा अचार, मुरब्बा और कड़कनाथ मुर्गा के भी स्टॉल लगे थे। प्रदर्शनी का आयोजन आत्मा द्वारा जिले में जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और उनकी आय बढ़ाने को लेकर किया गया है। प्रदर्शनी प्रतियोगिता में चयनित उत्पाद के लिए किसानों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में नैना उपाध्याय को इनोवेटिव फार्मर का विशेष पुरस्कार दिया गया। मेले में किसानों के मनोरंजन के लिए गीत संगीत का आयोजन भी किया गया है। हमारा कौशल विकास के अंतर्गत एक प्रशिक्षण होता है वर्मी कंपोस्ट पे, उस कार्यक्रम में इन्होंने सफलतापूर्वक भाग लिया है। और ये अभी जैविक खेती, पराली नहीं जलाना, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग, ये तमाम विषयों पे अपना जो कला प्रदर्शन कर रहे हैं, गीतों के माध्यम से किसानों को संदेश दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, साथ ही साथ मशरूम के ऊपर, तो इनका भी कार्यक्रम इस मेले में 3 दिन रोचक है। डीआरडीए सभागार में एसपी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें होली और शबे बरात पर्व को लेकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए डीएसपी प्रकाश कुमार ने कहा कि होली रंगों का त्यौहार और आपसी सद्भाव का भी प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर इसी दिन मुस्लिम भाइयों का शबे बरात पर्व भी है और इसे सौहार्द पूर्वक मनाएं।
तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस है और हुड़दंगियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में मौजूद सदस्यों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने में सहयोग की अपील की गई। एसडीओ धनंजय कुमार ने कहा कि शांति और सौहार्द में खलल डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में डीएसपी प्रकाश कुमार के अलावा शांति समिति के कई अन्य सदस्य मौजूद थे। भागलपुर सदर के अनुरोध पर जो है भागलपुर के तमाम पीस कमेटी के तमाम मेम्बरान जो है आज की बैठक में यहाँ उपस्थित हैं और प्रशासन के तमाम वरीय पदाधिकारी भी हैं। एसडीओ साहब ने चूँकि होली आपके सामने है और साथ साथ शबे बारात को लेकर आज शहर के तमाम जगहों से ये बैठक बुलाई गई है। नाथनगर प्रखंड के सरदारपुर गांव के पास पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोरेक्स के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर चंपानगर का मोहम्मद फैयाज है, जो कोरेक्स की 540 बोतलें ई रिक्शा से लेकर भागलपुर से आ रहा था। सरदारपुर गांव के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ आरोपी फैयाज को गिरफ्तार कर लिया। मधुसूदनपुर थानेदार पंकज कुमार ने बताया कि फैयाज के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भीकनपुर स्थित ब्लाइंड स्कूल में खुले आकाश के नीचे खड़ी ये वही ट्राई साइकिल है जिसके लिए दिव्यांगों को सरकारी बाबुओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन यहां सैकड़ों ट्राईसाइकिल धूप और बरसात के कारण सड़ रहे हैं, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। सरकारी योजना के तहत इन ट्राईसाइकिल को शिविर लगाकर दिव्यांगों के बीच बांटे जाने हैं, लेकिन प्रशासन अनदेखी के कारण यहां खड़ी सैकड़ों ट्राईसाइकिलों में कई सड़ चुके हैं जबकि कुछ सड़ने की कगार पर हैं। इसके नष्ट होने के पहले अगर इसे दिव्यांगों को मुहैया करा दिया जाता तो कईयों का कल्याण हो जाता। ये 100 के लगभग में है और ये लगभग एक महीना हुआ है यहाँ से यहाँ पर लाया गया है। यूपी चुनाव में योगी की जीत में भागलपुर भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद शुक्रवार को मातृशक्ति सम्मान आयोजित कर इन महिला कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के लिए भागलपुर से 11 महिला कार्यकर्ता यूपी गई थी, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी का प्रचार किया था। पुरस्कृत होने वाली कार्यकर्ताओं में रूबी दास, लीला सिन्हा, प्रीति शेखर, श्वेता सिंह, रीता गुप्ता, नीतू सिंह, सुनिधि मिश्रा, बबीता मिश्रा, माला सिंह, सुहानी रानी, सुनीता सिंह हैं। उस शक्ति रूप में, मातृ रूप में, विभिन्न रूपों में माता आती हैं और सभी ऐसे यज्ञों को सफल कर और वहाँ धर्म का पताका लहराती हैं और एक विजय का जो अनुभूति होती है, वैसी मातृशक्तियाँ भागलपुर से 11 की संख्या में निकली थी और उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधानसभा चुनाव में जाकर वहाँ काम कर, वहाँ चुनाव जिताने का काम की, ऐसी मातृशक्तियों का सम्मान कर हम सभी अपने भाजपा परिवार के कार्यकर्ता अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहे हैं। भागलपुर के गोपालपुर प्रखंड के अंचल कार्यालय के कर्मियों की मनमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीण शुक्रवार को अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि अंचल कार्यालय में सारा काम दलालों के माध्यम से कराया जाता है, जिसमें ऑपरेटर और कर्मचारियों की मिली भगत है। अंचल कार्यालय में दिन भर दलालों का जमावड़ा लगा रहता है, जो काम कराने के नाम पर ग्रामीणों से पैसे ऐंठता है। म्यूटेशन से लेकर सभी सरकारी काम बिना पैसे लिए नहीं किए जाते हैं, जिसकी उगाही दलाल करता है। इन दलालों का जिले के आला अधिकारियों से मधुर संबंध रहने के कारण इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सीओ शंभुशरण राय सूचना मिलने पर अनशन स्थल पर पहुंचे और उनके आश्वासन पर ग्रामीणों ने अनशन तोड़ा। मौके पर दिनकर चौधरी, इंद्रजीत कुमार, किरण कुमार, राजीव चौधरी समेत अन्य ग्रामीण मौजूद थे। याद से नहीं, बहुत पहले से इन दलालों का इस प्रखंड पे कब्जा है। यहाँ पहले भी जो सीओ थे, ये नए जो अंचलाधिकारी आए हैं, इनकी ये कार्यस्थान है। इन्होंने दलालों के अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय को दलालों के हाथों में सौंप दिया। सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के सभागार में विदाई समारोह आयोजित कर खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी लोकेश कुमार ठाकुर को सम्मानित किया गया।
समारोह की अध्यक्षता करते हुए डीलर नोमान अंसारी ने उनके कार्यों की सराहना की। प्रखंड के डीलरों ने लोकेश कुमार ठाकुर का माल्यार्पण कर उन्हें अंगवस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया। विदाई के दौरान प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी लोकेश ठाकुर ने भावुक होकर सहयोग के लिए डीलरों को धन्यवाद दिया। मौके पर डीलर एसोसिएशन के जिला मंत्री शत्रुघ्न चौधरी, जिला परिषद सदस्य अरुण दास, मोहम्मद अख्तर समेत अन्य लोग मौजूद थे। शांतिपूर्ण और सद्भाव के माहौल में पर्व मनाने को लेकर जगदीशपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सदस्यों ने होली व शबे बरात के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में सनोली पंचायत के मुखिया मगरूर राबिया खातून, पुलिस मित्र के अध्यक्ष सुशील, शंकर पासवान, घनश्याम मंडल समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। फिलहाल खबरों में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।